अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के बढ़ते दामों ने तेल की कीमतों में आग लगा दी है। मंगलवार को इसका असर दिल्ली में भी दिखा और डीजल ने नया रिकॉर्ड लेवल छू लिया है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने के चलते पेट्रोल, एविएशन फ्यूल और केरोसिन के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को दिल्ली में डीजल की कीमत 60 रुपये 66 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई तो पेट्रोल की कीमत 70 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर हो गई। मई 2015 के बाद कच्चे तेल के दाम अपने सर्वाधिक स्तर $68 प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं। बजट से पहले तेल के बढ़ते दाम सरकार के लिए परेशानी का सबब भी बन सकते हैं। आपको बता दें, चालू वित्त वर्ष में कच्चे तेल के $55 प्रति बैरल रहने का अनुमान जाहिर किया गया है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार कह रही है कि महंगाई कम हो रही है, दूसरी तरफ जो हकीकत है वो है पेट्रोल और डीजल की कीमत में सबसे ज्यादा 2015 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा कीमत, यानी 70 रुपये 58 पैसे ये पेट्रोल की कीमत है। डीजल 60 रुपये 71 पैसे के आसपास ये पहुंच चुका है। मंत्री जी और प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि देश की स्थिति बहुत बेहतर हो रही है, लेकिन महंगाई का सीधा सीधा इंपैक्ट अगर किसी का पड़ता है तो वो है पेट्रोल डीजल, क्योंकि अब हर दिन इसकी कीमत बढ़ती है। सर, एक तरफ हम कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कम नहीं हो रही, रोज की रोज रेट बढ़ रहे हैं। इस बार पेट्रोल और डीजल के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जनता बिल्कुल शांत है, नेता भी शांत है, मंत्री भी शांत है, सब कुछ। पहले यही अगर ज्यादा 71 और 70 रुपये हो जाए तो फिर हंगामा होना शुरू, हंगामा अब नहीं हो रहा हंगामा। पता नहीं मोदी जी क्या ऐसा जादू कर रहे हैं, लेकिन देश आखिरकार हम आप जो है वो ठगे से महसूस कर, फिर भी टिकट तो उन्हीं को देते हैं, टिकट भी उन्हीं को देते हैं, टिकट भी उन्हीं, विश्वास उन्हीं पे करते हैं। क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। जरा आप एक चीज जानकारी बताइए कि इससे पेट्रोल लेने वालों और डीजल लेने वालों में कोई कमी नजर आती है या लोग आते हैं सिर्फ शांतिपूर्वक देख के चले जाते हैं? नहीं, आ रहे हैं लोग, फिर भी आ रहे हैं बहुत। तो ये सबसे ज्यादा कीमत अभी ही बढ़ी है या लगातार ऐसी ही थी क्या? नहीं, अभी तो बढ़ी रही है, बढ़ी रही है। मैं आपको बताया कि 68 रुपये पर बैरल $68 पर बैरल के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट की क्रूड ऑयल की प्राइस है, और उसका इंपैक्ट अगर हम देखते हैं तो इंपैक्ट अब यहाँ यानी देश की राजधानी में अगर 71 रुपये के आसपास है तो देश के दूसरे हिस्से में तकरीबन 74 रुपये 75 रुपये के आसपास इसकी कीमत जा चुकी होगी। और ये क्योंकि सरकार ने बड़ी ऐसी नीति बना दी है जिसमें आम जनता को पता भी नहीं चलता कि इसकी कीमत बढ़ रही है। हम आप पत्रकार हैं और हम आप हर दिन अगर निगाह रखते हैं तो आज सिचुएशन ये है कि इसकी कीमत 71 रुपये को क्रॉस करने को है। प्रधानमंत्री से लोग यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इस पर कोई डिसीजन लिया जाए, क्योंकि इसकी मार सीधे सीधे महंगाई पे पड़ती है, आम जनता पे पड़ती है। इस समय दिल्ली से कर्नल लालन कुमार के साथ सुमन कुमार।